नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उनका किया गया कार्य, उनके द्वारा की गई मेहनत जीवन में सफल क्यों नहीं होती है, और अधिकांश ज्योतिषी इसको विभिन्न योगों के माध्यम से बताते हैं कि आपके कुंडली में यह दोष है, इस दोष का यह निवारण कीजिए ताकि आप अपने जीवन में आगे प्रगति कर सकें या आपका किया गया कार्य सफल हो सके। लेकिन इस तथ्य तक पहुंचने के हमारे पास कुछ लॉजिकल वेज मीडियम्स होने चाहिए जिनके द्वारा हम यह बात जान पाए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य आखिर सफल क्यों नहीं होता है। ज्योतिष में इसे नवग्रह के माध्यम से जाना जा सकता है, नवग्रह के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे ही हमारा जीवन शुरुआत होता है, हमारे माता पिता हमारे मन मस्तिष्क में एक बात डाल देते हैं कि हम पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़े तो आप जीवन में आगे बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज हम अगर अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पे कम पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत पढ़े लिखे लिटरेट व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक असंतुष्टि का भाव है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं, फिर दोबारा हमें अपने परिवार से, अपने समाज से एक शिक्षा मिलती है कि यदि हमने अपने काम में मेहनत नहीं करी तो हमें अपने जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी आपने देखा है कि बहुत से कार्य करने के बाद भी लोगों को अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती। हार्ड वर्क इज नॉट द की टू सक्सेस। देन वेयर इज द सक्सेस? सक्सेस लाइज इन डूइंग द स्मार्ट वर्क। ज्योतिष अनुसार जिस तरह से हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, उसी प्रकार से 9 नक्षत्र, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र होते हैं जो कि विभिन्न विभिन्न स्थितियों को बताते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है जहां पर हम ये जानेंगे कि हमें वह क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें सफलता मिले, और क्या हम कार्य करना चाहते हैं या कार्य से हम लाभ लेना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, या कार्य से हम धन पैदा करना चाहते हैं, या कार्य से हम संतोष पैदा करना चाहते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक साधु जिसको सिद्धि प्राप्त थी, उसके पास एक व्यक्ति जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझको पैसा का वरदान दीजिए। उसको पैसे का वरदान मिलता है और उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं, लेकिन उसका शरीर रोगी हो जाता है और वो उस पैसे को भोग नहीं पाता। वह दोबारा ईश्वर के पास जाता है, साधु के पास जाता है और कहता है कि मुझे शरीर से निरोगी कर दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। ईश्वर उसके शरीर को निरोगी कर देता है लेकिन उसके जीवन से उसके सब संबंधों को खत्म कर देता है, पैसा फिर भी वहीं का वहीं रह जाता है। ये कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और अंत में वह आदमी ईश्वर से जाकर कहता है, प्रभु, उस साधु से कहता है कि प्रभु, मुझे पैसा नहीं चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। ऐसी ही कोशिशें हमारे जीवन में हम लोग अक्सर करते हैं, और मेरे पास जब लोग ये समस्या लेकर आते हैं कि मेरा किया गया कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनसे स्पष्ट पूछता हूँ कि आप किस कार्य को करने से क्या रिजल्ट निकालना चाहते थे जो आपका सफल नहीं हुआ। अगर हम इसको और सरल भाषा में बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार की बात कर रहा है, तो व्यापार की बात करने के बाद उसका क्या कार्य सफल नहीं हो पा रहा, उसकी सेल्स सफल नहीं हो पा रही है, उसको पैसा रियलाइज नहीं हो पा रहा है, या वह पैसे की सेविंग्स नहीं कर पा रहा है, या उस पैसे को अपने एसेट्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली में उस आदमी की एम्बिशन क्या है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डिराइव
आउट ऑफ दैट मनी और दैट वर्क। ज्योतिष अनुसार हमारी कुंडली के अंदर कुछ विभिन्न विभिन्न योग हैं, उस दृष्टि से भी इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। यह हो सकता है कि आप जो कार्य करते हो वह आपका जीवन शैली ना हो, वह आपका रोजगार ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हो सकता है कि एक आदमी एक बहुत अच्छा लॉयर हो, लेकिन उसको जो मैक्सिमम आमदनी होती हो वो किराए से होती हो या जायदादों को बेचने से होती हो। हो सकता है एक आदमी कपड़े की ट्रेडिंग करता हो, लेकिन उसको जो सबसे मैक्सिमम इनकम होती है वो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से होती है। यानी कुछ भी हो सकता है। सो वर्क इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ इनकम, एंड सोर्स ऑफ इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम योर सेविंग्स, एंड सेविंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर एसेट्स। तो जब भी आप अपनी कुंडली का अवलोकन करना चाहें तो आपको यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आप कैश की बात कर रहे हैं, सेविंग्स की बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं, दूसरे से पैसा लाने की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, या ओवरऑल अपनी संतुष्टि की बात कर रहे हैं, गेंस की बात कर रहे हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी। आपका किया गया कार्य सफल होगा वह निर्भर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे। हाउ यू यूज योर मनी, आप अपनी एसेट्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, अपनी विद्या को कैसे आप यूज में लेते हैं, अब कॉम्पिटिशन्स को कैसे आप बीट करते हैं, अपने सोर्सेज रिसोर्सेज या पार्टनर्स के साथ किस तरह से आप अलाइंड करते हैं, आपके सामने किस किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप कितने करेजियस हैं उस अपॉर्चुनिटी या उस अटेम्प्ट को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए। इसी प्रकार से हजारों चीजें हो सकती हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप ये जानना चाहें कि आपका किया गया कार्य सफल नहीं होता, तो सबसे पहले आप अपने आप पर दृष्टि डालिए, अपने जीवन पर दृष्टि डालिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक्चुअली में चाहते क्या है, आपका कौन सा कार्य सफल नहीं हो रहा है। और जब आप अपनी प्रॉब्लम के पिन पॉइंट पर पहुंचेंगे तो निश्चित ही आप उसके सॉल्यूशन पर भी पहुंचेंगे। आप भी, आपका एस्ट्रोलॉजर भी, दोनों उसको बारीकी से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, और अपने जीवन में आप देखेंगे कि अगर आपके पास सही क्वेश्चन है, सही आपका दृष्टिकोण है, तो आपके पास उसका उत्तर भी होगा। इसी बात के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।